बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सभापति महोदय। ये विषय सुनने में भले ही छोटा लगे और सबको सामान्य सा लगे, पर मेरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष सभापति महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से वन व पर्यावरण मंत्री से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी सिंगरौली का एक बड़ा भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। महोदय, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में बड़े ही कड़े मेहनत के साथ खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि वहां पर जो हमारे यहाँ लगातार जंगली जानवरों की जो समस्या बनी हुई है वो सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, मुझे लगता है कि हमारे हमसे जुड़े हुए सभी संसदीय क्षेत्रों के का ये महत्वपूर्ण विषय होगा। ऐसे जंगली जानवर जैसे नीलगाय हो गए, सुअर हो गए, बंदर हो गए, इनका लगातार आक्रमण हमारे खेतों में होता रहता है और हमारे किसानों के द्वारा उपजाई हुई फसल को नष्ट कर देते हैं और उसके बाद की स्थिति आप समझ ही सकते हैं कि कैसी स्थिति हमारे किसानों की बनती होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था हेतु निर्देश किए जाने की कृपा करें। रम्या हरदास जी,